भागलपुर में शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा में कुछ दबंग बंदियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया और जेल को कब्जे में लेने की कोशिश की। हमले में जेल के 3 कक्षपाल जख्मी हो गए। वहीं जेल प्रशासन को स्थिति नियंत्रित करने के लिए पगली घंटी बजानी पड़ी। उसके बाद जेल कर्मियों ने बल प्रयोग करते हुए बंदियों को शांत कराया। घटना को लेकर जेल अधीक्षक यूसुफ रिजवान ने बंदियों के विरुद्ध बरारी थाना में केस दर्ज कराया है। बंदियों के विरुद्ध हत्या का प्रयास और सरकारी कार्य में बाधा आदि की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। घायल होने वाले कक्षपालों में विकास कुमार, अंशु कुमार और विकास कुमार सिंह का नाम शामिल है। सूत्रों की माने तो कपड़ा सुखाने से मना करने पर यह विवाद हुआ था और यह विवाद इस कदर बढ़ता चला गया कि सुरक्षा कर्मियों और बंदियों के बीच घमासान शुरू हो गया, जिसमें 3 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर के तटवर्ती कई क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिससे कई गांव के लोग हलकान व परेशान हैं। बाढ़ प्रभावित को लेकर सबौर के जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश मंडल के घर वाले रास्ते में बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार के द्वारा या कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा या कोई पदाधिकारी के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। पानी में जो आवे जाए छो की दिक्कत परेशानी आवे हो जाओ दिक्कत से यहाँ माल जाल छे वो खिलाए पिलाए लगे जाए छे पानी में घुसरी घर जाए छो। हाँ अच्छा कौन पंचायत पड़े छे बरारी पंचायत पड़े कोई अधिकारी अलहन देखे ल कुछ न कोई नहीं लो छ देखे बाढ़ पीड़ित रो कुछ मिलना कुछ नहीं की नाम भेला रौला शोभा देवी।